हेलो स्टूडेंट्स, तो एज यू नो आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। एंड जहां तक बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशंस हम लोग पढ़ रहे थे उसका सवाल है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट फोर थिंग्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व कैसे ट्रीट करते हैं if you want to close the account and if you want not to close the account, just passing an adjusting entry, that will be gaining partner's capital account debited to sacrificing partner's capital account या current account. Then I taught you bachcho the treatment for losses and expenditure. And उसके बाद मैंने आपको goodwill पहले बताया था and finally मैंने आपको पढ़ा रहा था revaluation account. And so far as your revaluation account is concerned, you know कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, हाँ हमारे पास रिजर्व्स हैं एंड वी आर गोइंग टू चेंज आवर रेशियोस, हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूचुअली चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, अभी तक कोई एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का ऑप्शन नहीं आया, जस्ट वी आर गोइंग टू चेंज आवर प्रॉफिट शेयर रेशियो। सो अगर हम लोग चेंज करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे क्या होगा, हमारे पास जो अवेलेबल है, जो प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, जो असेट्स है, लायबिलिटीज, उसमें शेयर चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट पर्सन आएगा, एसेट लायबिलिटी से जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, जो प्रॉफिट निकले उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, प्रॉफिट हमें दिखाई देता है, रिजर्व दिखाई देता है, लॉस हमें मालूम होता है, एक्सपेंडिचर जो हमें करने हैं उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। बट फाइनली इन सबके बावजूद बच्चों वन थिंग इज दैट इज एसेट हो या लायबिलिटी हो, दो चीजें हैं, उसको भी रिवैल्यू करना वेरी एसेंशियल है, बिकॉज हमने बैलेंस शीट बनाया था 31st मार्च को या 31st दिसंबर को ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके, बट दैट डजंट मीन कि रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका उसी दिन हो रहा है, मे बी हो सकता है। अगर रिटायरमेंट है, हम सोचेंगे कि एक पार्टनर को रिटायर 31st मार्च को ही कर दे, सो अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो वहां पे हम लोग उसको सोचें कि क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसी डेट में रिटायर करें, तो हमें इतना झंझट होगा नहीं। बट आपका म्यूचुअली चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो या डेथ तो बोल के नहीं आता ना, ये तो कभी भी हो सकता है। सो एट दैट मोमेंट डेफिनेटली बच्चों आपका प्रीवियस बैलेंस शीट डेट जो बना था उससे लेके आज तक बच्चों डेफिनेटली देयर इज सर्टन इंक्रीज या डिक्रीज इन योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड व्हाटएवर इंक्रीज इन द एसेट्स बच्चों दैट इज द प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट में बच्चों एक पार्टनर का डेफिनेटली ज्यादा हक होगा और एक का कम होगा, एंड अगर कुछ लायबिलिटीज होती है तो उसमें डेफिनेटली एक पार्टनर का ज्यादा लायबिलिटीज होगा, एक का कम होगा। बट वंस बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, हाँ, तो जो गेनिंग पार्टनर होता है, जहां तक एसेट्स का सवाल है, उसमें तो उसे गेन हो जाएगा एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लॉस होगा। कल से जो प्रॉफिट होगा उसमें तो लॉस होगा, नो प्रॉब्लम, बट आज से जो हमारे पास है जिसमें हक मेरा ज्यादा है उसमें भी लॉस होना तो गलत है। वैसे ही बच्चों सो फार एज लायबिलिटी इज कंसर्न, अगर लायबिलिटी बढ़ती है उसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का ज्यादा लायबिलिटी होता है, बट इसमें क्या होता है, अवर वंस चेंज हो जाता है, गेनिंग पार्टनर को बच्चों ज्यादा लायबिलिटी देना पड़ेगा, तो यहां पर गेनिंग पार्टनर को लॉस हो रहा है। तो जहां तक बच्चों प्रॉफिट रिजर्व का सवाल था, हमने वो हमारे पास था, उसको हमने क्लोज या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया या उसको एडजस्ट कर लिया। बट नाउ द टर्म जो था रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिमिलरली बच्चों जिस तरह से प्रॉफिट को हमने किया था रिवैल्यूएशन करके एसेट लायबिलिटी को भी क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी जो प्रॉफिट है वो भी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इसलिए बोला जाता है बच्चों व्हेन पार्टनर डिसाइड बच्चों टू वैल्यू देयर रिवैल्यू देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट एनी profit or loss derived from such revaluation of assets and liabilities, then they are required to prepare revaluation account. Okay, so revaluation account is an account which is prepared to find out the net effect, that is profit or loss, on revaluation of assets and liabilities. But this account is otherwise known as, आपको बोला जाता है profit and loss adjustment account. Revaluation account को क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नेम है बच्चे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका अदर नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट एंड
पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा, इट इज बच्चा नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये क्या है नॉमिनल अकाउंट। मैक्सिमम स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं बच्चे, इसको क्या सोच रहे थे रियल अकाउंट, क्या सोचते हैं। सो फार एज द अकाउंट्स बच्चों इज ओनली कंसर्न्ड विद, हाँ कंसर्न्ड विद बच्चों आपका असेट्स, हाँ तो कुछ लोग बोलते हैं बच्चों आपका रियल अकाउंट। एंड लायबिलिटीज जब आता है तो कुछ लोग बोल देते हैं इसको पर्सनल अकाउंट, क्या बोलते हैं, हाँ इट इज नाइदर पर्सनल अकाउंट नॉर रियल अकाउंट, इट इज बच्चों नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इन दिस अकाउंट वी जस्ट रिकॉर्ड एनी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज लॉस। एंड लायबिलिटी में रिवर्स है, इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज लायबिलिटी, डिक्रीज लायबिलिटी प्रॉफिट, इंक्रीज लायबिलिटी लॉस, क्लियर। सो इट इज नथिंग बट ए नॉमिनल अकाउंट बच्चों। जहां तक ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ, दीज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन कब मिलेंगे आपको, किसी भी इंटरव्यू में, एंट्रांस रिटन एग्जाम में मिलेंगे। एंड जहां का एग्जाम का सवाल है उसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन बच्चों याद करो, आई टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने के लिए वी हैव टू ऑप्शन, आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, हर चीज को रिवाइज करके पढ़ना चाहिए सो दैट नहीं भूलोगे। टू ऑप्शन है, आइदर यू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और यू प्रिपेयर नथिंग बट, आपको क्या करना है, जस्ट कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, जस्ट सिंपली कैलकुलेशन करना है, किसको, आपका इंक्रीज और डिक्रीज, सिंपली कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज और आपका डिक्रीज ऑफ assets and liabilities, okay। So दोनों procedure मैं आपको बता चुका हूं, इसका जो profit या loss होगा that will transfer to partners in old ratio, which ratio में, old ratio में, इसमें जो profit निकलेगा, जो answer result आपका होगा either profit on revaluation, हाँ और loss, और profit और loss on जो आप क्या निकलेगा revaluation, that will transfer to ओल्ड पार्टनर, किसको ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर एट विच रेशियो, एट ओल्ड रेशियो। ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम्स, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस, हाँ सिंपल कैलकुलेशन बच्चों, इज आइदर पॉजिटिव फिगर और क्या होगा नेगेटिव फिगर, दिस विल ट्रांसफर टू बच्चों आपका बोथ दी पार्टनर, दोनों वही ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर होगा, बट द एंट्री बच्चों चेंज हो जाएगा, गेनिंग टू सैक्रीफाइस या सेक्रीफाइस टू गेनिंग, ओके। बट बच्चों यहां पे हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, वंस यू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ऑल असेट्स एंड बच्चों आपका लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट में एट आपका अल्टर्ड फिगर, किस फिगर में, अल्टर फिगर। आपकी सारी असेट्स लायबिलिटी चेंज हो चुकी है अभी, अगर आपके पास बिल्डिंग था 5 लाख का, आपने उसको फिर से रिवैल्यू किया, अगर डेप्रिसिएशन हुआ है तो 4,90,000 हो सकता है, या एप्रिसिएशन हुआ तो 5,10,20 हो सकते हैं, जो भी हुआ, अगर वंस यू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट यू नीड टू प्रेजेंट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट तो बनाओगे ही बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो मतलब बैलेंस शीट बनेगा, बट आपको सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज को आपको अल्टर फिगर या न्यू फिगर या चेंज फिगर, क्या चेंज फिगर में लिखना पड़ेगा, ओके। तो समटाइम्स क्या होता है बच्चों, पार्टनर सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स लायबिलिटी को चेंज फिगर में नहीं करेंगे, तो बेटर प्रिपेयर जस्ट क्या कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, या प्रॉफिट ऑन एसेट्स या लायबिलिटी या लॉस ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, सिंपली निकालना। बट कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अल्टर फिगर में प्रेजेंट करना पड़ेगा, ओके। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, हम यहां जा सकते थे, यहां जा सकते थे, यहां पर दिक्कत थी इसलिए हम इसे फॉलो करते थे, बट अगर हमने ये बना लिया उसके बाद हम सोच रहे कि हमने क्यों बनाया ना,
अब क्या कर सकती हो, इज देयर एनी वे जिस तरह की हमें बैलेंस शीट के सारे फिगर को अल्टर फिगर में ना लेके उसी ओल्ड फिगर में या अनचेंज फिगर में लिखना पड़ेगा। यस, वहां पे एक तरीका है, दैट इज नोन एज आपका मेमोरेंडम ऑफ, या मेमोरेंडम ऑफ नहीं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। एग्जाम में बच्चों ये आएगा, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा एंड समटाइम्स बच्चों प्रॉब्लम में भी आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को दिया जाता है। सो नो प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स। पहली बात बच्चों, अगर क्वेश्चन में दिया होगा आपका बनाने के लिए, सपोज क्वेश्चन में हमारा है 5 जर्नल एंट्रीज लिखा है, देन प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको ऐसे बनाना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मैंने बनाया है। जस्ट पर्टिकुलर अमाउंट सभी को मालूम है बच्चों, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब आपका यहां पर क्या आएगा, बाय इंक्रीज इन एसेट्स आएगा ना कि नहीं आएगा, समझ में आया था? या सिंपली यू कैन राइट बाय एसेट्स, यहां क्या हुआ इंक्रीज बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाय लायबिलिटी, बच्चों आपका क्या हुआ डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद बाय प्रोविजंस आपका डिक्रीज हो रहा है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं मेमोरेंडम बना रहा हूं रिवैल्यूएशन, उसका ठीक बच्चों ऑपोजिट यहां पे टू एसेट्स बच्चों आपका डिक्रीज, टू बच्चों आपका अनरिकॉर्डेड सॉरी टू लायबिलिटीज बच्चों आपका इंक्रीज, टू बच्चों आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एंड बच्चों आपका क्रिएशन ऑफ प्रोविजन हो गया। पहले लायबिलिटी आएगा उसके बाद अनरिकॉर्डेड आएगा ना, नहीं ओके। एंड द आंसर विल भी बच्चों आपका क्या होगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हो गया, लिखा था मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर यहां हो गया। एंड बच्चों अगर डेबिट साइड ज्यादा हुआ बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां आंसर होगा। एट विच रेशियो में बच्चों, ये ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो, होप किसी को डाउट नहीं, कल मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका अच्छे से ठीक है। आवर टॉपिक इज नाउ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमें यहां पे क्या करना है बच्चों, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट, एंड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन पार्टनर्स बच्चों आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट सोचते हैं क्या कि हमने क्यों रिवैल्यूएशन किया, हम जैसे ही रफ में कर लेते एंड इफेक्ट निकाल लेते एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेते, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी, हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। So, क्या करें, सो एक ऑप्शन है क्या बना सकते हो मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम ऐसे कोई सोचता नहीं है, पहले रिवैल्यूएशन अगर कोई बना लेता है उसके बाद अगर सोचता है कि मुझे चेंज नहीं करना, अगर चेंज करना है तो नो प्रॉब्लम मेमोरेंडम बनाने की जरूरत नहीं, अगर नहीं करना तो उसके पास एक ही उपाय होता है दैट इज मेमोरेंडम। तो यहां कैसे बनाएंगे देखो, इधर सिंपली यहां टू एसेट्स आर डिक्रीज डेबिट में, यहां लिखेंगे बाय एसेट्स बच्चों आपका डिक्रीज, जस्ट सी बाय लायबिलिटी मैं क्या लिख रहा हूं देखो, डेबिट साइड के आइटम्स को लिख रहा हूं बाय अनरिकॉर्डेड, सभी लिखें बाय क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, बच्चों देखो इधर सभी सिमिलरली आपके डेबिट क्रेडिट साइड में जो था टू एसेट आपका इंक्रीज, टू अनरिकॉर्डेड एसेट, टू लायबिलिटी आपका हो रहा था डिक्रीज, हाँ टू बच्चों आपका प्रोविजन ऑल्सो डिक्रीज। जस्ट सी व्हाट इज दिस,
इट इज नथिंग बट द अपोजिट ऑफ द रिवर्स ऑफ रिवर्सन अकाउंट. ओके, द एंट्री विच वी आर रिक्वायर्ड टू पास वाइल प्रिपेयरिंग द रिवर्सन अकाउंट, द सेम एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू पास हियर बट इन द ऑपोजिट मैनर. मतलब रिवर्स एंट्री क्या होगा, सारी सेम आइटम्स को लेंगे बट रिवर्स प्रोसेस में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे आपका क्या हो रहा है, सी बच्चों, यहां पे अगर आपका प्रॉफिट हो रहा था डेफिनेटली यू नो यहां पे क्या होगा, अब ये सेटअप का ज्यादा था ना, अब ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहां प्रॉफिट था तो डेफिनेटली यहां पे आपको क्या मिलेगा, लॉस. क्या मिलेगा, लॉस. ओके, एंड अगर आपका लॉस हो रहा तो यहां क्या निकलेगा, प्रॉफिट. ठीक है, समझ में आए. तो आपको अगर एग्जाम्स में आते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, यहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी था आपका क्विच रेशियो में ट्रांसफर हो रहा था यहां पे, और किसको ट्रांसफर हो रहा था, ओल्ड पार्टनर, किसको ट्रांसफर हो रहा था, ओल्ड पार्टनर्स को एट ओल्ड रेशियो. यहां पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा, ये प्रॉफिट और लॉस बच्चों प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर क्या होगा, ऑल. अगर बच्चों एडमिशन हो जाते हैं तो जो पार्टनर्स आते हैं रिटायर होने के बाद जो बचते हैं, ऑल पार्टनर्स बाय लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स, सी द डिफरेंस. ओके, एंड वो रेशियो क्या होगा, यहां जो आंसर होगा वो रेशियो क्या होगा बच्चों, द रेशियो विल बी न्यू रेशियो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यू रेशियो. यहां पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दैट विल बी द ऑपोजिट ऑफ आवर रिवैल्यूएशन. देन सेकंड थिंग बच्चों, इस प्रॉफिट लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे व्हिच रेशियो में, न्यू रेशियो. किस रेशियो में, न्यू रेशियो. ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आप जो बैलेंस शीट बनाओगे यू डू नॉट रिक्वायर टू प्रेजेंट द फिगर ऑफ एसेट्स एंड बच्चों आपका लायबिलिटीज. विच फिगर में, आपको अल्टर फिगर में लिखने की जरूरत नहीं है. क्या बोला, अल्टर फिगर में लिखोगे नहीं, मतलब वही आप किस फिगर में लिखोगे इसको, उसी ओल्ड फिगर में या अनचेंज्ड, क्या बोलते हैं उसको, अनचेंज्ड फिगर. आपका जो ओल्ड फिगर था उसी में ही आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करें. So this is your बच्चों memorandum revaluation account. Let's see, अभी हमने जो जो पढ़ा उसी को एक बार हम लोग फिर से ध्यान से देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़े. रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हम लोग पढ़े आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. वन इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनदर वन इज योर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. देखो हमने क्या सीखा इसमें, हमने क्या क्या पॉइंट्स हमें सीखने को यहां मिला. ओके बच्चों, इट इज प्रिपेयर, वाई इट इज प्रिपेयर, हाँ, टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ओके, रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड उसके साथ हमें क्या करना है, रिवैल्यू करके प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना है. यहां पे क्या करना है बच्चों, यहां ऑप्शंस में क्या जाएगा, इट इज द रिवर्स ऑफ, इट इज द रिवर्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इज प्रिपेयर्ड विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये किसके साथ बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ ही बनता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब इसे रिवैल्यूएशन बनाना है, बट मेमोरेंडम अगर बनाना है तो फर्स्ट पार्ट इज योर रिवैल्यूएशन एंड द सेकंड पार्ट इज योर
हो गया, सिंपल सी थिंग है। सेकेंड हमने क्या सीखा, यहां पे प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसको हम किसे ट्रांसफर करते हैं, ऑल पार्टनर्स को, व्हिच रेशियो में, ऑल रेशियो में। यहां पे प्रॉफिट लॉस को हम लोग किसको ट्रांसफर करते हैं, ऑल पार्टनर्स को, एंड बच्चों किस रेशियो में, मीन रेशियो में। ओके, देन यू कैन राइट, है नहीं, क्या लिखोगे हियर बच्चों, बैलेंस शीट में हियर एसेट एंड लायबिलिटीज, हियर आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब आप उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे विच फिगर में, अल्टर फिगर में, ये सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आएंगे। एंड यहां पे आप जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे बैलेंस शीट में विच फिगर में, बोलो ओल्ड फिगर में, किसमें, ओल्ड फिगर। हो गया, यू कैन ऑल्सो राइट बच्चो वन मोर थिंग, द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड इसका ऐसा कोई अदर नेम नहीं है बच्चो, इट इज द रिवर्स पार्ट ऑफ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड जस्ट टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ assets एंड liabilities, हाँ द चेंजिंग इफेक्ट ऑफ assets एंड liabilities इन बैलेंस शीट। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, इट द रिवर्स हुआ पहली बात, हाँ सेकेंड थिंग बच्चों विच इज प्रिपेयर टू अवॉइड द, हाँ टू अवॉइड द बच्चों आपका चेंजिंग इफेक्ट, क्या बोला, चेंजिंग इफेक्ट ऑफ assets एंड liability इन बैलेंस शीट। हो गया, सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चे रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी सिंपल पार्ट है कि नहीं। अब देखो आपको इस सारी पढ़ाई को बच्चे एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। पार्टनर्स बच्चों आपका क्वेश्चंस में बैलेंस शीट होगा, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, एंड यहां लिखा होगा पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट से रेशियो, और नेक्स्ट क्लास में हम एडमिशन रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे, एडमिशन स्टार्ट करेंगे उसके बाद रिटायरमेंट। तो हमारे पास बैलेंस शीट है, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पार्टनर्स चाहते हैं अपना क्या करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, प्रॉफिट से रेशियो को चेंज करना। नाउ आपको बिगनिंग कहां से करना होगा, क्वेश्चन में तो लिखा होगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। तो आपको मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट इट डील्स विद ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्लियर, खत्म। सेकेंड आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, इज देयर एनी प्रॉफिट, देन यू पास द एंट्री फॉर प्रॉफिट। इज देयर एनी रिजर्व, हाँ प्रॉफिट रिजर्व दोनों कहां होता है, बैलेंस शीट में। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, बैलेंस एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। हम जो पढ़े सबको एक साथ मिला दो, हाँ हमें क्या करना है, पार्टनर रिकंस्ट्रक्शन करने चाह रहे हैं, व्हाट आर द नेसेसरी एंट्रीज होगा, आपको उसको पास करना है। तो जहां तक रिवैल्यूएशन का सवाल है, आपको रिवैल्यूएशन के लिए सिर्फ चेंजिंग देखने एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, वो कैसे मालूम पड़ेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैसे मालूम पड़ेगा, ऊपर बैलेंस शीट में तो सब लिखा होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेब्टर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी लिखा होगा नीचे लिखा होगा कैश कितना है, मतलब जो आइटम चेंज हो उसके बारे में नीचे लिखा होगा, एंड उस आइटम्स को लेकर तुम लोग क्या करोगे, रिवैल्यूएशन बनाओ, क्या बनाओ, एंड अगर मेमोरेंडम बोला है तो मेमोरेंडम बना दो, नो प्रॉब्लम। बट उसके बाद और क्या करना है हमें, कुछ नहीं, सिंपली देखना है बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, किसके लिए बनाया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो प्रॉफिट होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आइदर, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे उसे एडजस्टिंग एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, हाँ रिजर्व होगा तो ले लेंगे, नहीं तो एंट्री पास करेंगे, लॉस होगा तो ले लेंगे, नहीं तो एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, लॉस के लिए सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। एंड कोई एक्सपेंडिचर पेमेंट करना होगा, डेफर्ड होगा तो उसके लिए भी हम लोग पेमेंट कर देंगे, नहीं तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर्स एंट्री करेंगे। गुडविल होगा उसको हम लोग डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, खत्म। देन आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, एंट्री पास करोगे, जर्नल हो गया, मतलब लेजर भी
हो जाएगा, देन फाइनली यू नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो मैंने इवैल्यूएशन बनाया, डेफिनेटली बैलेंस शीट में जो आइटम्स थे वही रहेगा, बट सारे फिगर्स मैक्सिमम वही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों म्यूचुअली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हाउ पार्टनर्स अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, या म्यूचुअली चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो हाउ इट विल अफेक्ट द पार्टनर्स अकाउंट्स। हाँ, तो याद रखोगे अगर बच्चों, अफेक्ट किस किस वे में हो सकता है, प्रॉफिट रिजर्व, लॉस एक्सपेंडिचर, आपका एसेट लायबिलिटीज, गुडविल, अगर कोई फंड्स है, कोई एलआईसी है, कोई भी वार्क मैन कंपेंसेशन फंड है, अगर वो भी होगा तो पार्टनर्स आइदर उस पैसे को ले लेंगे, या अगर कोई लायबिलिटीज है उसको पेमेंट दे देंगे, देने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो उसको दे देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर म्यूचुअली चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। होप सभी को समझ में आया, धन्यवाद सर। फॉर्म नंबर डिफरेंस का